स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम सेट है कि आइडेंटिफाई करने सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडाइज हुए हैं रिएक्शन में या फिर रिड्यूस हुए. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शंस इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है या ऑक्सीडाइज होना होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. यहाँ पर हम इसी डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे कि हमारे पास कौन सी स्पीशी जो है वो रिड्यूस हो रही है, कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारे पास रिएक्शन ए है. रिएक्शन ए में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ही हमें ऑक्सीडेशन जो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर्स हम असाइन करते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है. ठीक है, हर एलिमेंट को जो है वो रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स में भी, प्रोडक्ट्स में भी, उनको असाइन कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, कितने लूज हुए. ठीक है, सबसे पहली बात कि एलिमेंटल फॉर्म में, यानी रूल्स में से एक बात कि एलिमेंटल फॉर्म में जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता है, कोई सब्सटेंस होता है, कोई स्पीशी होती है, तो हम कहते हैं कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी कि जिस तरह की एलिमेंटल फॉर्म में कि सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम से मिलकर बनी है N2. ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0. ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन की भी बात आएगी तो हम कहेंगे इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0. ठीक है, इन दोनों पे तो 0 है, लेकिन जब हम अमोनिया में देखते हैं जो प्रोडक्ट में बन रही है तो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है. हम यहाँ पर लिखते हैं नाइट्रोजन पर आता है, हाइड्रोजन पे आएगा +1. ठीक है, हम लिखेंगे हाइड्रोजन पे +1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो, उसको देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है. ठीक है ना, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन पे इसलिए आएगा -3. ठीक है, और अमोनिया के हाइड्रोजन पे आएगा +1, और क्योंकि 3 है इसलिए N2 3. ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी कि ये बन जाता है +3. इसको हम यहाँ पे चले हम डायरेक्ट लिख देते हैं +3. ठीक है, इसको हम लिख देंगे +3. तो हम ये देख लेते हैं कि अब हुआ क्या कि नाइट्रोजन जो है वो जो है वो -3 में गया, यानी कि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनको जो है वो एक इनको एनसर्कल कर देंगे और हम क्या करते हैं यहाँ पे कलर्स असाइन कर देते हैं कि ये वाला कलर होगा हमारे पास तो वो क्या चीज होगी, वो चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी. ठीक है, यानी ग्रीन कलर को हम जिस चीज से एनसर्कल करेंगे वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होगा. ठीक है, और जब हम ब्लू से करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा. ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वो इनको एनसर्कल कर देंगे. तो अब देख रहे हैं हम कि नाइट्रोजन 0 से जो है वो -3 में गई, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर लिए, तो ये क्या हो गई, ये रिड्यूस हो गई है. ठीक है ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ब्लू से एनसर्कल कर देते हैं. ठीक है, जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें क्या हुआ है, हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ने 0 से किसमें गया, +3 में, या हम अगर एक हाइड्रोजन की बात करें तो वो +1 में गया है. ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया है, ये जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन ने लूज किया. ठीक है, यानी कि क्या हो गई है, ये हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो गई है. ठीक है, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीडेशन की. ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, अगर हम इस इक्वेशन को पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन ए, अगर इसको बैलेंस करें तो यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन को अब हम पहले इसको ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हैं. इस तरह से कार्बन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 हम यूजली लेते हैं, जिसको सबसे कॉमन जो इसकी वैलेंसी है वो -2 है, -2 × 2 यानी कि बन जाएगा -4. तो ऑक्सीजन की हमें इसे पता है कि कंपाउंड को ओवरऑल 0 होना चाहिए, इसलिए +4 होगी, +4 × -4 = 0. ठीक है, तो ये +4 आ गई इस पे. तो अब हम देख रहे हैं कि इस पे ऑक्सीजन के एक एटम पे देखें तो -2 है, कार्बन पे +4 है. ठीक है, मैग्नीशियम पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में आ गया 0. ठीक है, अब इस तरफ आ जाए प्रोडक्ट की साइड पे, कार्बन पे अब यहाँ पर क्या है, 0. किस वजह से, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है. अब ऑक्सीजन पे -2, मैग्नीशियम पे +2. ठीक है, इस तरह से आ गए. अब अगर यहां पर हम देखें तो मैग्नीशियम 0 से किसमें जा रहा है, +2 में. ठीक है, ऑक्सीजन की -2 है, -2 ही रही. ठीक है, और कार्बन की यह है +4 है, अगर एक ऑक्सीजन की देखें तो -2 है ना,
-2 है, -4 तो दो ऑक्सीजन की है, तो एक ऑक्सीजन की -2 है, वो -2 ही रही। कार्बन की देखें तो +4 से वो किस में जा रहे हैं, जीरो में, यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे उनको वापस इसने गेन करा तो जीरो हो गया, ठीक है ना, यही हुआ ना। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या हो रही है, कार्बन जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन जो है वो रिड्यूस हो रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है इसको हम कह देते हैं कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सॉरी, रिड्यूस के लिए हमने कलर गलत चूज कर लिया, इसको हम ब्लू से करेंगे कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, 0 से +2 में गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, तो ये मैग्नीशियम क्या आ गया, मैग्नीशियम हमारे पास आ गया ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इस इक्वेशन को भी हम देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास मैग्नीशियम है एलिमेंटल फॉर्म में, इसलिए 0 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट साइड भी हम, यानी प्रोडक्ट साइड पे भी हम देख लेते हैं जल्दी से कि H2 है, तो इसलिए ये भी 0 ही होगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, ठीक है, इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाए, क्योंकि 2 है तो इंटू 2 करेंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन पे देखें तो +1, ठीक है। इस तरफ अगर देखें प्रोडक्ट में -2 ऑक्सीजन पे और मैग्नीशियम पे क्या होगी, +2, ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही थी। अब यहां पर अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है वो 0 से किस में जा रहा है, +2, फिर से क्या हो रही है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो हम इसको जो ग्रीन से कर देंगे कि मैग्नीशियम क्या हो गई, ऑक्सीडाइज, जबकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन +1 से 0 में जा रही है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था अगर वो वापस गेन कर लेगा तो ये 0 में चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्लोरीन की देख लेते हैं कि इस पे 0 आएगा, एलिमेंटल फॉर्म है। सल्फर यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पे 0 आएगा, एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, हम देखते हैं कि सबसे पहले है सल्फर, सल्फर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे +1 होती है, ठीक है, यहाँ पर आ गई +1, इंटू 2 करेंगे तो +2 आ जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन की +1 ही होती है, ठीक है, तो हम लिख देंगे +1। अब अगर इसको बैलेंस करने के लिए देखें तो सल्फर की आ जाती है -2, ठीक है, -2 आ गई। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं क्लोरीन की होती है -1 और हाइड्रोजन की होती है +1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो +1 से +1 में जा रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा। सल्फर को देखें तो -2 से 0 में जा रहे हैं, यानी कि अगर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे जिसकी वजह से माइनस साइन था और 2 साइन था, किस वजह से, क्योंकि माइनस यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे इसने, तो क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों इसने वापस कर दिए, तो इसके ऊपर वापस 0 आ गया, ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, इसने वापस कर दिया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यानी कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। जबकि क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के ऊपर 0 था और वो -1 में चला गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहते हैं, -1 आ गई, तो हम कह रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या है, रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो है वो इक्वेशन, इसमें हम देख लेते हैं, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें पहले असाइन कर लेते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर एक एलिमेंटल फॉर्म में कॉपर है, इस पे 0, नाइट्रोजन है एलिमेंटल फॉर्म में 0, ठीक है। फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन के एच पे +1, N2 3 होगा क्योंकि 3 है, लेकिन चले हम जो है वो बेसिक लिख लेते हैं कि +1 है, और नाइट्रोजन की देखें तो -3 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड, इसकी देखें तो हमारे पास क्या है, -2 जो है वो ऑक्सीजन की आ गई, तो उसी के रिस्पेक्ट से फिर +2 कॉपर की आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन की -2 कॉपर की +2, ठीक है। इधर अब हाइड्रोजन की देख, सॉरी वाटर की देख लेते हैं, -2 किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है, और +1 इंटू 2 जो है वो, इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 मौजूद है छोटा सा, तो ये इंटू 2 किया, 2 हाइड्रोजन एटम्स है इसलिए इंटू 2 किया है, +1 इंटू 2 हाइड्रोजन की, लेकिन चले हम बेसिक लिख देते हैं कि एक हाइड्रोजन की कितनी है, +1, ठीक है, ये हमारे पास आ गई। अब अगर इसमें देखें तो हम देख लेते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में था, ठीक है, लेकिन दूसरी जाने वो 0 में चला गया, इसका मतलब है जो 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने गेन किए हुए थे इसने वो लूज कर दिए, ठीक है, किसको लूज कर दिए, ठीक है ना, इसने लूज कर दिए वो,
इसने वो वापस कर दिए, इसीलिए क्या हो गया है, ये जो है वो हम कहते हैं कि ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस कर दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो हम इसको ग्रीन कलर असाइन कर देंगे कि ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कॉपर, ऑक्सीजन की तो आप देखें वही है, हाइड्रोजन की भी वही है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1 था, यहाँ पर भी +1 है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी एक एक ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटम -2 से -2 में ही गया। कॉपर की देख लेते हैं, +2 से किस में गया, 0 में। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए थे, ठीक है, यानी +2 है, तो इसने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस इसने ले लिए, यानी कि गेन कर लिए, तो क्या हो गया, 0 में चला गया, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड सॉरी जो है वो क्या हो रहा है, ये जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हम रिड्यूस कर देंगे, ये रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से हम जब ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करते हैं सब्सटेंसेस को एक रिएक्शन के, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सी स्पीशी, कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है।